हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर क्लास एंड टुडे माय टॉपिक इज अल्फाबेट्स। इट इज़ माय फर्स्ट टॉपिक एंड इज माय फर्स्ट लेक्चर। और इंग्लिश टर्म का जो सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है वो अल्फ़ाबेट्स है। कोई भी आप इंग्लिश बुक ले लें, जितने भी आप कोई भी प्रोफेशन की इंग्लिश बुक ले लें, उनमें जितने भी वर्ड हैं वो उन वर्ड को जब आप देखेंगे तो वो कुछ खास लेटर्स से मिलकर बनते हैं। वो ये 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स पर मुकम्मल होते हैं और ये 26 लेटर्स डिफरेंट वे में बोले जाते हैं। इन लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऐसे हैं स्टूडेंट जो फोनेटिकली बोले जाते हैं, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो फोनेटिकली नहीं बोले जाते। इनकी प्रोनंसिएशन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो आप इनको उर्दू की हरफ तहजी से आइडेंटिफाई कर इनको मैच कर आप इनको सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए, ए आ अलिफ की साउंड देता है, बी ब बे की साउंड देता है, सी ख सीन की और काफ की साउंड देता है, डी ड डाल की साउंड देता है, ई अलिफ की साउंड भी देता है और ये की साउंड भी देता है, एफ फे की साउंड देता है, जी गाफ की साउंड भी देता है, जीम की साउंड भी देता है, एच हे की साउंड देता है, आए अलिफ की साउंड भी देता है, ये की साउंड देता है, जे जो है वो जीम की साउंड देता है, के काफ की साउंड देता है, एल लाम की साउंड भी देता है, एम मीम की साउंड देता है, एन नून की साउंड देता है, ओ अलिफ की साउंड भी देता है और वाओ की साउंड भी देता है। इसी तरह पी जो है वो पी पे की साउंड देता है, क्यू जो है वो काफ की साउंड देता है, आर रे की साउंड देता है, एस सी सीन की साउंड भी देता है और सम हाउ ये से की साउंड भी देता है, टी जो है वो टे की साउंड देता है, यू वो अलिफ की साउंड भी देता है, ये की साउंड भी देता है, वी जो है वो वाओ की साउंड देता है, डब्ल्यू वाओ की साउंड भी देता है और ये लास्ट में आकर जो है वो वॉवल लेटर्स में आ जाता है तो ये अलिफ की साउंड भी समहाउ देता है। इसी तरह एक्स जो है वो जे की साउंड देता है, वाई ये और अलिफ की साउंड देता है और जो जी है वो जे की साउंड देता है। आपने देखा होगा ये जितने लेटर्स भी हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इनको प्रोनाउंसिएशन करते हुए हम कई जगहों पर अपने वोकल कॉर्ड्स यूज़ करते हैं और कई लेटर्स में वोकल कॉर्ड्स यूज़ नहीं करते। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इनके टू ग्रुप्स है, वन इज़ वॉवल और सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। वन वॉवल ग्रुप है और सेकेंड जो है कॉन्सोनेंट है। जब हम लोग इन प्रोनंसिएशन को पढ़ रहे थे तो हमारे इंग्लिशियस ने इस चीज़ को नोट किया कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो फोनेटिकली बोले जाते हैं और कुछ फोनेटिकली नहीं बोले जाते, इसीलिए इनको ग्रुप बनाए गए हैं। अगर कि एक ही तरह से प्रोनाउंसिएशन होती इनकी तो हमें ग्रुप बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। ये ग्रुप बनाने की जरूरत तभी पेश आती है स्टूडेंट्स जब उनमें डिफरेंट हो, उनके अंदर फ़र्क आ रहा हो, फिर हम लोग ग्रुप में इनको डिवाइड कर देते हैं। तो इनमें से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो फोनेटिकली बोलते हैं, विदाउट वोकल ट्रैक बोलते हैं, वो है ए ई आई ओ एंड यू। ए ई आई ओ एंड यू। अब जब मैं इनको पढ़ रही थी स्टूडेंट्स तो मैंने एक बात को नोट किया कि अगर हमें उर्दू में इन फाइव और लेटर्स को राइट करूं तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो अलिफ आएगा, ए ई आई ओ एंड यू। अब यहाँ आकर मैं अपनी ही बात को थोड़ा सा चेंज करूँगी। मैंने कहा कि अलिफ साउंड आएगा, ठीक है, ए अलिफ से बना, ई अलिफ से बना, आई अलिफ और अलिफ मदा से बना, ओ अलिफ से बना, लेकिन यू जो है वो अलिफ से नहीं बना। लेकिन इसको वोवल लेटर्स में क्यों रखा गया है तो इसकी मेन वजह ये है कि जब वोवल लेटर में ये आया है तो अलिफ का साउंड देगा जब इससे कोई वर्ड बनेगा, और जब ये अलिफ का साउंड नहीं देगा और ये का साउंड देगा तो ये कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। तो यू जो है वो अलिफ का साउंड भी देता है और ये का साउंड भी देता है। जब ये अलिफ का साउंड देगा तो ये वोवल लेटर्स में आएगा, जब ये का साउंड देगा तो ये कॉन्सोनेंट लेटर में आएगा। इसको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए स्टूडेंट मैं एक दो वर्ड आपको राइट करके दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पर अंकल, अंकल में ये अलिफ का साउंड दे रहा है और यूनिटी में ये का साउंड दे रहा है। जब ये का साउंड देगा तो ये कॉन्सोनेंट लेटर्स में आ जाएगा, जब ये अलिफ का साउंड देगा तो ये वोवल लेटर्स में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। आप अपने माइंड में एक बात को रख लें कि जो लेटर्स अलीफ का साउंड देंगे, एक तो डेफिनेशन के लिहाज से तो एक बात है कि जो लेटर्स फोनेटिकली बोले जाएंगे, अगर हम वोवल की डेफिनेशन को देखें, किसी भी आप गूगल पे चल जाएं, किसी ग्रामर बुक में देखें, तो वो अलीफ का साउंड का जिक्र नहीं करते। वो लोग एक बात का जिक्र करते हैं कि जो लेटर्स विद आउट वोकल ट्रैक यूज़ होते हैं या विद आउट वोकल
वर्ड्स यूज होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो वोवल में आएंगे, वो अलिफ का जिक्र नहीं करते। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ आपको इजी करने के लिए इस वे को, कि जो लेटर्स अलिफ का साउंड देंगे, ये एक कोई तहकीक है, आप कोई भी लेटर्स उठा के देख लें, कोई वर्ड उठा के देख लें जहाँ पे वोवल आए वो अलिफ का साउंड देगा। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज वर्ड है ऑनरेबल, उसमें एच आता है, ये साइलेंट है, आगे ऑनरेबल अलिफ का साउंड दे रहा है, तो फौरन उसको हम कह देंगे कि ये वोवल लेटर्स का साउंड दे रहा है। तो आपने भी इस माइंड में रखना है कि अलिफ का जो साउंड देगा, जो लेटर्स जिस वर्ड में भी अलिफ का साउंड प्रोनाउंस करेगा, तो वो वोवल लेटर्स में आएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब 5 लेटर स्किप हो गए इसमें से 26 लेटर्स, तो फिर बाकी रह जाते हैं 21 लेटर। अब 21 लेटर में बी सी डी टू जी, ये वो लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट में आएंगे, और इन लेटर्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स का, वोकल ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये सेकंड ग्रुप का हिस्सा बने, वो है कॉन्सोनेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। अब हम लोग एक और यहाँ पे लेटर ऐसा है जो सेमी वोवल कहलाता है, वो भी हमें बाज़ुकात तंग करता है, हमें बताता है कि मैं भी हूँ, और बाज़ुकात बच्चे बच्चों को एक बात बता दी जाती है कि बच्चों आपने एक माइंड रखना है कि ए आई ओ यू वोवल है, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो फिर जब हम ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, वाई से बनने वाले जो कुछ होते हैं लास्ट में, जब वो अलिफ का साउंड देते हैं, तो फिर वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेमी वोवल में कैसे आया। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये वाई, जब वाई सेमी वोवल में इसीलिए आया कि जब वाई किसी भी वर्ड के फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में, तो वो वोवल सॉरी कॉन्सोनेंट होगा, और जब ये लास्ट में आएगा वर्ड के तो वो वोवल होगा। मिसाल के तौर पर यमी, यहाँ पे ये एक वर्ड के फर्स्ट में है तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट होगा, जैसे यंग, और ये का साउंड भी दे रहा है इसलिए यहाँ पे भी ये कॉन्सोनेंट होगा। लेकिन जब अगर हम राइट करें स्काई, तो यहाँ पे ये अलिफ का साउंड दे रहा है, ये विद आउट वोकल ट्रैक्ट यूज़ हो रहा है, इसमें वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह फ्लाई में भी वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्राई में भी वाई प्रोनाउंस करते हुए वोकल कॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये लेटर एकदम वोवल लेटर बन जाएगा। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई। एक और लेटर हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, वो लेटर है W। ये भी बाज़ुकात हमें तंग करता है, वो ऐसे तंग करता है कि जैसे वाओ, अगर हम लोग वंडर राइट करें तो यहाँ पे वंडर में W जो है वो साउंड देना है वाओ का, इसलिए कॉन्सोनेंट है। जब हम वाओ राइट करते हैं, जब भी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं हम कहते हैं वाओ, तो इसकी स्पेलिंग ये होगी। यहाँ पर ये जो है वो विदाउट वोकल ट्रैक यूज़ हुआ, फॉलेंटली यूज़ हुआ, तो यहाँ पर ये वोवल का साउंड देगा। तो टू लेटर्स ऐसे हो गए, एक तो वाई और एक W, जो जब वर्ड के फर्स्ट में आएंगे तो वो कॉन्सोनेंट होंगे, जब वर्ड के लास्ट में आएंगे तो वोवल होंगे। क्योंकि ये अपनी आइडेंटिफिकेशन को चेंज कर देते हैं, इसीलिए इसको एक मेन ग्रुप में रखा गया है, वो है कॉन्सोनेंट, इसको वोवल में नहीं रखा गया। और वोवल में सिर्फ 5 लेटर्स आते हैं, ए ई आई ओ यू, और ये अलिफ का साउंड देते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।